हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड ईबीएस। सो ओपन योर ईबीएस बुक, पेज नंबर इज 15, चैप्टर 3, ग्रोइंग अप। ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, जो भी जीवित चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ देखिए, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स जानवर, पेड़ पौधे और इंसान, ये क्या है, लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ शीड, जो प्लांट है वो शीड से ग्रो करता है। द शीड ग्रोस इनटू अ सीडलिंग, आफ्टर सम टाइम सीडलिंग ग्रोस इनटू अ बिग प्लांट। देखिए, जो शीड है वो ग्रो करती है सीडलिंग में। यहाँ ये देखिए, ये सीडलिंग है, फिर सीडलिंग है वो कुछ समय के बाद जो है एक बिग प्लांट में ग्रो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर वो बिग प्लांट बन जाती है। अ बर्ड कम्स आउट फ्रॉम अन एग, जो बर्ड होती है वो किससे, एग से आती है या एग से निकलती है। ठीक है, द एग हैच इनटू अ स्मॉल बर्डलिंग। यहाँ देखिए, जो एग है वो टूटने के बाद उससे एक स्मॉल बर्डलिंग यहाँ पर निकलती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बर्डलिंग ग्रोस इंटू अ बिग ब्यूटिफुल बर्ड। उसके बाद वो क्या होती है, जो बर्डलिंग होती है वो एक बिग ब्यूटिफुल बर्ड में चेंज हो जाती है, ग्रो कर जाती है। ये देखिए, एग, बर्डलिंग एंड बर्ड, एग से ग्रो हुई बर्डलिंग में, बर्डलिंग से ग्रो हुई वो बर्ड में। ओके, सम, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इंटू अ बिग ट्री। यहाँ पर कुछ पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो, वो बिग ट्री में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, टिक एंड राइट। व्हाट इज अ यंग वन ऑफ अ डॉग कॉल्ड, कब, पपी। जो यंग वन होता है डॉग का, उसे क्या बुलाया जाता है, डॉग के बच्चे को क्या बुलाया जाता है, पपी। ओके, ह्यूमन बींग्स आर बर्न एज बेबीज, जो ह्यूमन होते हैं वो किसको जन्म देते हैं, बेबीज को। ओके, बेबीज ग्रो अप टू बी अ स्मॉल चाइल्ड, जो बेबीज होते हैं उसके बाद वो ग्रो होते हैं स्मॉल चाइल्ड में, बॉय आर गर्ल, लड़का या लड़की में। ठीक है, लेटर द चाइल्ड बिकम अ टीनेजर, उसके बाद वो ग्रो होता है स्मॉल चाइल्ड के बाद टीनेजर में। ठीक है, आफ्टर सम ईयर्स द टीनेजर बिकम्स एन अडल्ट मैन, कुछ समय के बाद टीनेजर जो होता है वो ग्रो होता है अडल्ट मैन में। ओके, अडल्ट मैन आर वूमेन, अडल्ट मैन में या अडल्ट वूमेन में। लेटर अडल्ट मैन आर वूमेन ग्रो ओल्ड, उसके बाद जो अडल्ट मैन या वूमेन होती हैं वो किस में ग्रो हो जाती हैं, ओल्ड मैन या ओल्ड वूमेन में। ओके, देखिए, बेबी ग्रो हुआ स्मॉल चाइल्ड में, उसके बाद वो ग्रो होता है टीनेजर में, टीनेजर के बाद अडल्ट मैन या वूमेन, और फिर ओल्ड मैन या ओल्ड वूमेन। ऐसे ही प्रोसेस जो है ग्रोइंग की यहाँ पर चलती रहती है। एज वी ग्रो अप ऑल अवर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो ग्रो, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं। टिक एंड राइट, टिक द बॉडी पार्ट्स दैट ग्रो। यहाँ पर देखिए, आपको बॉडी पार्ट्स पे टिक करना है जो बढ़ते हैं। नोज, आपकी नोज जो है वो ग्रो होती है, यस। हैंड्स, ये भी ग्रो होता है, टीथ, ये भी ग्रो होता है। ठीक है, लेग भी ग्रो करती है, ईयर्स, आपका कान भी ग्रो होता है, और आपका नेक भी, शोल्डर भी ग्रो होते हैं। ओके, इन पर आपको टिक करना है। चैप्टर बैक, ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी जीवित चीज़ें ग्रो करती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स है, ये सभी क्या है, जीवित चीज़ें। ह्यूमन बींग्स आर बर्न एज बेबी, जो इंसान जो होता है वो बेबीज को यहाँ पर जन्म देता है। एज वी ग्रो अप ऑल अवर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो ग्रो, जब हम बढ़ते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी बढ़ते हैं। ओके, टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो डू नॉट ग्रो,
सो सारी जो जीवित चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो आप ग्रो पर टिक करेंगे, अ प्लांट ग्रोस फ्रॉम अ एग शीट। जो प्लांट होते हैं वो किस में ग्रो कर, किससे ग्रो होते हैं, शीट से, ओके, बीज से ग्रो होते हैं। द बर्डलिंग ग्रोस इन टू अ बिग बर्ड स्मॉल एग। जो बर्डलिंग है वो किस में ग्रो होती है, तो वो बिग बर्ड में यहाँ पर ग्रो होती है, तो आप बिग बर्ड में टिक करेंगे, ओके। एन अडल्ट मैन और वूमेन ग्रोस। जो अडल्ट मैन और वूमेन होती है वो किस में ग्रो होती है, यंग वन या ओल्ड, तो वो ओल्ड में ग्रो होती है, ओके, आप ओल्ड पर टिक करेंगे। नंबर द फॉलोइंग पिक्चर्स करेक्टली। आपको यहाँ पर नंबर करेक्ट करके राइट करना है। ये देखिए क्या है, प्लांट शीड शीडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये आएगा शीड, सेकेंड आएगा शीडलिंग, थर्ड है प्लांट, ओके। ये देखिए बर्ड, बर्डलिंग एग, फर्स्ट है एग, फिर बर्डलिंग एंड बर्ड, ओके। सो आपको ये चैप्टर यहाँ पर रीड करना है। थैंक यू।